एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी लाइव कवरेज आप देख रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से किसान इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, जगह जगह से जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नए कृषि कानून को लेकर जो उबाल है वो देखने को मिल रहा है, अन्नदाता इस वक्त सड़कों पर है। यूपी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम किसान संगठनों की ओर से यह आह्वान किया गया, जहां पर आज जगह जगह पर किसान जो है वो सड़कों पर है। रामपुर में क्या कुछ हाल है, मेरे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। विधेयक बिल को लेकर आज रामपुर के किसान सड़कों पर नहीं बल्कि दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जाम किए हुए हैं। पहले सीधी तस्वीर में आपको दिखा दूं, ये रामपुर जिले के किसान हैं, अलग अलग तहसीलों से चलकर यहां पर पहुंचे हैं और दिल्ली लखनऊ हाईवे 24 को पूरी तरह से जाम कर रखा है। सामने आप देखिए पुलिस के लोग भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ताकि जो लोग इस सड़क पर हाईवे पर चलने वाले हैं उनके लिए रोड को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। और इस जो प्रदर्शन धरने को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, हमने पिछली बार भी देखा कि आपने यहाँ पर रोड जाम किया, हाईवे जाम किया और ये करते रहते हैं, जाम से कुछ नतीजा निकलने वाला है, कब तक ये जाम रहेगा? तो कुछ जाम से कोई नतीजा, 3 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, 3 महीने से सड़कों पर बैठा है। अब किसान ने ये सोचा कि हम दिल्ली को कूच करें, पूरी जाएंगे, जो सरकार बैठी है दिल्ली में बैठी पड़ी है, सरकार को हम अपनी बात रखें। तो सरकार ने रोका, सरकार ने किसान आप गैस छोड़े, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी, उन पर डंडे चलाए, बहुत निंदनीय है। जो किसान कोरोना काल में किसान पूरे हिंदुस्तान में सब्जी की कमी नहीं होने दी, जिस किसान ने, जिसने आलू की कमी नहीं होने दी, किसी ने टमाटर की कमी नहीं होनी, हर सब्जी भरपूर मिली और कोरोना काल में किसानों ने घर घर तक पहुँचाया, उस किसान को आज ये सरकार झंडे पानी की बौछार वासी गैस से बोलती है। बताओ, दिल्ली जैसी जगह को हमें नहीं जाने दिया जाएगा, तो हम इस्लामाबाद चले जाएँ। कब तक रहेंगे आप यहाँ पर? अब जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये बिल, जो किसान विरोधी बिल है, तब तक पास जो वापस नहीं होंगे, जब तक लड़ाई जारी रहेगी हम दिल्ली जाकर रहेंगे, जहाँ ये रोकेंगे वहाँ ही बैठेंगे। जहाँ ये रोकेंगे यानी कि शासन प्रशासन की नीति भी साफ है कि हम बिल पर अड़े रहेंगे, लेकिन ये किसान है, भारत कृषि प्रधान देश के तमाम सारे किसान और अब राजनीतिक पार्टियां भी किसानों को इसमें समर्पित हैं और उनका सहयोग दे रही है। देखना तो भी दिलचस्प होगा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार को और देश की सरकार को ये मनमाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि किसान अपने हक के लिए अब सड़क पर नहीं बल्कि हाईवे पर बैठा है।